नमस्कार, एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है मोना कपूर जी, जो नामांकित सूरत शहर की नामांकित कंज्यूमर एडवोकेट है। मोना जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में, और विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल परिवार और डी खुशालभाई ज्वेलर्स की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करती हूँ। और ऐसे ही आप समाज सेविका भी है और काफ़ी सारे वर्क करती है। आप अभी फ़िलहाल राजनीति में भी जुड़ी है, तो बहुत सारी बातें हम मोना जी से करेंगे। लेकिन उससे पहले मोना जी से जानना चाहेंगे कि मोना जी, आप एक आत्मनिर्भर नारी हो, आप कंज्यूमर एडवोकेट हो और सूरत शहर में काफ़ी आपका नाम है, तो पहले तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफ़ी सारे कंज्यूमर में काफ़ी सारे केसेस जीतते हैं, काफ़ी सारे उनके लेख एक न्यूज़पेपर में भी आते हैं, वो भी हम जानेंगे मोना जी से कि एग्जैक्ट वो कौन सा पेपर है, कहाँ पे वो आते हैं और किस तरह से वो जो उनकी कार्यशैली है कैसे है, उनकी लाइफ जर्नी कैसी है, वो हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। जी मोना जी, बताइए। आप सबको पहले तो नमस्ते, और आप सभी को विश्व महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जैसे यामिनी मैडम ने कहा कि भाई मेरी सफ़र के बारे में आपको बताना है, तो मेरी सफ़र है जो मैं आपको बताऊँ, तो मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि जिसको 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ना लिखना नहीं आता था, और आज मैं यहाँ पर हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सफलता है। और मैं इतना मानती हूँ कि एक लेडीज़ को हमेशा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास रहना चाहिए। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो डेट टाइम मुझे मेरी फैमिली मेम्बर से, फिर मेरे जो शिक्षक थे उनसे मुझे बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिली, और मैंने हमेशा आगे बढ़ना सीखा। मैंने कभी पीछे मुड़ना कभी देखा ही नहीं है। जब कहते हैं ना कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने LLB ज्वाइन किया, देन उसके बाद में जब मेरा LLB कंप्लीट होता है, तो जैसे कहते हैं ना कि भाई आप कहीं पे भी जाओ तो पहले आपको सब डीमोटिवेट करने ज़्यादा आ जाते हैं। सब बोलते हैं कि भाई लेडीज़ है तो लेडीज़ कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो काफ़ी ऐसे मेरे फ्रेंड थे जो मुझे ऐसा बोल रहे थे कि भाई ये वकीलात की जो फील्ड है उसके अंदर लेडीज़ सक्सेस नहीं होती है। तो डेट टाइम मैंने उनको ऐसा बोला था कि भाई देखो, अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो आप में कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस, आप तो कहीं भी जा सकते हो। तो तब मैंने कहा था कि भाई स्काई में बहुत सारे स्टार होते हैं, चमकते कुछ है, तो उसमें से एक मैं ज़रूर चमकूंगी। और मैंने अपनी कहते हैं कि जर्नी की शुरुआत की, और देखते देखते मैंने कंज्यूमर की जो फील्ड मैंने मेन उसी में मैंने अपना जो सफल था उसमें ही मैंने चालू की, और पूरे डेडिकेशन के साथ, आत्मविश्वास के साथ कि भाई मुझे आगे बढ़ना है। और देखते ही देखते कंज्यूमर में मेरा काफ़ी अच्छा नाम हुआ। पेपर्स में मेरे हर एक न्यूज़पेपर में, जो हम लोग जैसे गुजरात समाचार है, संदेश है, भास्कर है, मित्र है, सारे न्यूज़पेपर के अंदर हमने जो भी मैं कंज्यूमर के केसेस जीती हूँ वो केस हमारे पब्लिश हुए हैं। और बहुत, और हम लोग ने न्याय देने के लिए किया हुआ है। और कहते हैं एक समाज सेविका के तौर पर भी कंज्यूमर मैटर में लोगों को जागरूक होना चाहिए कि आपके साथ कहाँ चीटिंग हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है, तो ये पहलू पे हम लोग ने ध्यान दिया। फिर एक समाज सेविका के तौर पे भी मैंने काफ़ी कहते हैं ना कि एक शुरुआत अच्छी की कि भाई लगता है कि आपको हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं एक लेडीज हूँ। और मैंने जैसे आपसे कहा कि भाई जैसे मैंने शुरुआत की तो लोग दबाने बहुत आ जाते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, तो मैं जो भी लेडीज़ है वो कोई भी क्षेत्र में अगर उनको कोई तकलीफ होती तो मैं हमेशा उनके साथ आगे रहती हूँ। और देखते ही देखते आज मोना कपूर का नाम कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर कोर्ट में बहुत अच्छी तरह से लिया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बोल सकती हूँ कि भाई मेरे परिवार से लेके शिक्षक तक और आज यहाँ पे मैं हूँ, तो वो सभी का इसके अंदर बहुत अच्छा योगदान रहा है। जी, सभी का तो योगदान रहा है, लेकिन मोना जी मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि परिवार, पेरेंट्स, मैंने सुना है आपने शादी भी शायद नहीं की है, तो परिवार के साथ, पेरेंट्स के साथ आप इस कार्य में, मतलब वो भी सपोर्ट करते हैं तभी आप यहाँ तक पहुँची है जी। तो उनका योगदान कैसे रहा आपके साथ? मेन चीज़ यह है कि मेरे घर में से हमेशा मुझे यही कहा कि बेटा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और मेरे घर में भी और हम सभी यही मानते हैं कि शादी ज़रूरी नहीं है कि आप करो, ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप बढ़ो। हाँ, अगर कोई अच्छा पर्सन मिलता है तो करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, लेकिन मेरे लाइफ का गोल है कि भाई मुझे अभी एक समाज में एक चेंज लाना है, सुधारा करना है,
तो मुझे कोई ऐसे कह सकते हो ना कि बस आगे बढ़ना है, जी और जी शादी ये सब कुछ मेरे लिए गौण है, जी तो मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने राजकारण में भी इस बार जी जो कॉर्पोरेट रखा वो जी 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 वो बात हम करेंगे, लेकिन उससे जी पहले बहुत कुछ बातें आपसे करनी है। जी जिस तरह से आपने बोला कि एक कंज्यूमर एडवोकेट है और काफ़ी हाँ सारे केसेस में आपको सक्सेस मिली है, वो सक्सेस कैसे मिलती है, किस तरह से, एक कोई ऐसी एग्जांपल दीजिए कि कंज्यूमर एक ऐसी चीज़ है, मतलब कि अगर किसी के साथ कोई चीटिंग होती है तभी हम कंज्यूमर एडवोकेट के पास जाते हैं, और वहाँ पे हम मतलब बोलते ही है कि मुझे ये केस जीतना ही है, ऐसे कॉन्फिडेंस से ही क्लाइंट आते हैं, तो उसको मतलब उसके कोई शेयरिंग कीजिए हमारे साथ कि कुछ ऐसा अनुभव आपके साथ रहा हो जो एक्सक्लूसिव हो। देखिए, मैं कंज्यूमर में जो आपको बताऊँ, कंज्यूमर मीन्स इसमें ऐसी मैटर्स आती हैं जैसे कि अभी आपने कोई मेडिक्लेम लिया हुआ है और जी आप कोई डिसीज है तो उसके लिए आप जाते हो, और जो भी हॉस्पिटल का खर्चा होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ता है। जी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो कोई भी इलीगल रीज़न है या जो रीज़न है होता ही नहीं है, फिर भी क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। जी और क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं तो उसके लिए लोग को जागरूक होना चाहिए कि भाई उनका राइट है, अगर आपने प्रीमियम पे किया हुआ है तो आपको क्लेम मिलना चाहिए। तो जी वो सारी मैटर होती है, लाइक आप कहीं पे कुछ परचेस करने जाते हो, जैसे कोई पैकेजिंग वाली चीज़ होती है, तो रूल्स है कि आपने अगर 100 ग्राम के पैसे दिए हैं तो आपको उतना चीज़ तो मिलना चाहिए, अगर जी नहीं मिलता तो भी आप कंज्यूमर में आते हो। मैं आपसे एक कंपनी है बड़ी, उनका नाम नहीं लूँगी, जी बट जी जी मैंने 100 ग्राम की हल्दी परचेस की थी मेरी सिस्टर ने, तो उसमें से 78 ग्राम ही हल्दी उसके अंदर पैक थी, और हमने तो पैसे दिए थे 100 ग्राम के, तो जी उसके रिगार्डिंग हमने कोर्ट में केस किया था, और यहाँ पे वो मैटर नहीं चले, लेकिन स्टेट कमीशन में वहाँ पे हमारे फेवर में ऑर्डर आया। और ऐसे एक जगह पे था कि भाई 50 रुपीज़ के फ़ोटोग्राफ खिंचवाने के लिए, और दैट टाइम वहाँ पे उनके साथ मिसबिहेव हुआ कि उन्होंने जो फ़ोटो खींचे वो नहीं दिए, उसके अलावा कोई फ़ोटोग्राफ दिए, तो वो भी कंज्यूमर मैटर में गए, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, और कोर्ट ने भी उसमें ऐसे कहते 3,650, यानी उनको मेंटली जो हैरेसमेंट हुआ उसका भी कंज्यूमर फोरम ने उनको अच्छा मेंटेनेंस दिया हुआ है, जी और जी मेन है कि ग्राहक को जस्टिस मिला है। और कंज्यूमर में ऐसे जो हमारे डेली जो कहते हैं कि हम लोग अगर दूध लेने जाते हैं और रात में अगर हम लोग कहते हैं ना कि कुछ भी दूध पीते हैं या जो भी है, जो भी हम चीज़ सुबह से शाम तक परचेस करते हैं वो हमें अच्छे शुद्ध स्वरूप में ही मिलनी चाहिए, अगर वो हमें नहीं मिलती है तो आपको ग्राहक फोरम में कंज्यूमर कोर्ट में जाना ही चाहिए। चाहिए। जी, बहुत ही अच्छी बात है आपका, आपके आपने साथ जो मतलब एक्सपीरियंस शेयर किया वो हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि कहीं शुद्ध चीज़ मिलती नहीं है, और जहाँ पे भी जो भी कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं चीटिंग केस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो अभी तो काफ़ी बैंक फ्रॉड्स भी बन गए हैं, ATM कार्ड में चीटिंग हो रही है, काफ़ी जगह पे ऐसी चीज़ें हो रही है, तो मोना जी ज़रूर आपको हेल्प करेगी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि ये जी कंज्यूमर कोर्ट में आप क्या करती है, कंज्यूमर एडवोकेट है, तो आपके साथ जो हमने शेयर किया वो हमारे दर्शकों को भी पसंद आया होगा। और आगे हम बात करते हैं तो समाज सेविका भी है आप, तो उसमें आपने किस तरह समाज की सेवा, जिस तरह आपने बोला कि कंज्यूमर में लोग आते हैं मतलब जो कंप्लेन लेके आते हैं उसको सॉल्व करते हैं, तो समाज सेविका आप है, तो आपने कहा किस तरह से समाज सेवा की है वो भी बताइए, और आगे क्या करना चाहती है। जी अभी समाज सेवा तो मैं आपको बताऊं कि जनरली हमारे यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग भले अभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक लेडीज़ों को हेल्प नहीं मिल रही है। जैसे हम वुमेन एम्पावर सिर्फ थोड़े लोग तक ही सीमित होता है, और हमको ये हर जगह पे होना चाहिए। जैसे अभी कुछ ऐसी महिला है कि जिनको सच में तकलीफ़ होती है, जैसे अभी आप डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके घर में प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड की तरफ से बहुत सब टॉर्चरिंग होता है, तो डेट वो एक कहते हैं ना, वो ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको कोई हेल्प नहीं करता है। तो हम मैं ज़्यादातर वैसी लेडीज़ों को हेल्प करती हूँ कि जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो डेट मैं सपोर्ट करती हूँ। जी फिर जैसे अगर मैं आपको बोलूँ तो हम लोग ये एक चीज़ कर रहे हैं कि जो महिला है जो अशिक्षित है तो उनको ऐसे एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको एक कहते हैं कि रोज़गारी मिलना चाहिए, उसके लिए हम उन्हें पॉजिटिविटी यानी कि उनको प्रोत्साहन हम लोग देते हैं। फिर जैसे अभी मेरी एक लाइफ का बहुत अच्छा केस है, एक लेडी थी जो गांधीनगर से, उसके हस्बैंड का प्रॉब्लम था तो वो गांधीनगर से सीधा सूरत में आ गई, और किसी ने उनको मेरा कांटेक्ट दिया, तो वो लेडी को हेल्प करने के लिए मैंने रात को 12 बजे डिस्ट्रिक्ट जज को हेल्प करने के लिए बोला था, और डिस्ट्रिक्ट जज भी बहुत अच्छे थे कि उन्होंने रात को 12 बजे वो लेडी के लिए ऑर्डर किया कि भाई आप नारी निकेतन है जो यहाँ पे, तो वहाँ पे उनके लिए रहने का उन्होंने इंतजाम करके दिया। तो जी जनरली ऐसा होता है कि
जो जज होता है उनका टाइम सिर्फ 11 से 6 होता है, बट वो जज ने कहते ना कि अगेंस्ट द लॉ जाके भी उन्होंने वो लेडी को हेल्प किया. और दैट टाइम मुझे अगर मैंने काफ़ी लोग ऐसे थे जो लेडी को हेल्प नहीं करके सब चले जा रहे थे, बट अगर मैंने भी साथ छोड़ दिया तो कह सकते हैं ना कि भाई मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती. तो वो लेडी को मैंने हेल्प किया. रात को 12 बजे हम लोग नारी निकेतन पे उसको जाके घर पे यानी वहाँ पे आश्रम में रख के भी आए. देन बाद में पर्सनली जज ने उसमें इंटरेस्ट लिया और उसकी फैमिली को यहाँ पे बुला के सूरत में, और वो मैटर को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कहता है ना कि टेक्निकल बहुत अच्छी तरह से उनको संभाला और अच्छी तरह से वो लोग रहने लगे. जी, तो मतलब ऐसी भी आप सेवाएं करती है, बहुत बहुत आपको मुबारक, धन्यवाद, अभिनंदन. बहुत कम है ऐसी बातों के लिए आप इस तरह की सेवा करते हैं लोगों की, बहुत ही अच्छी बात है. आगे करती रहेंगी ऐसी मैं शुभकामनाएँ देती हूँ. लेकिन अभी आगे चलते हैं, बहुत कुछ मौना जी से जानना है. एडवोकेट है, समाज सेविका है, और साथ में अभी वो जुड़ी है राजनीति में. तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही रहेगा आपसे कि एडवोकेट है आप, और अचानक से ऐसे राजनीति में जाने का आपको विचार कैसे आया? सच बताऊँ ना तो मैं ऐसा मानती हूँ कि भाई अगर आप राजकारण में अभी एक अपक्ष उम्मीदवार भी होना चाहिए. जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर राजकारण में जनरली सब पार्टी से ही आते हैं, बट अगर कोई हमारे जैसा सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से होता है तो वो आपकी जो परेशानी है वो समझ सके. तो मैंने कहा कोई पहल करे ना करे मुझे करना चाहिए. तो इसी यही सोच से मैं ये राजकारण में मैंने एक कदम आगे बढ़ाया हुआ है. जी, और तो राजकारण में जुड़ने के बाद आपको कैसा अनुभव रहा, मतलब कि इस तरह की आपकी राजनीति में आपकी जर्नी कैसी रही, वो भी शेयर कीजिए. जी, मेरी एक्चुअली राजकारण में जो जर्नी थी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ. सबसे मेन एक्सपीरियंस तो ये था कि ये जो इलेक्शन था उसमें अपक्ष उम्मीदवार को अगर ऐसे बोले तो 7 दिन मिलता है. तो ये 7 दिन में हम लोग पब्लिक के बीच में गए, लोगों से मिले, उनकी जो परेशानी थी वो परेशानी हम लोग ने सुनी. और सबसे इम्पोर्टेंट कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन हम लोगों को मैंने जैसे बोला कि मुझे सेवाई करनी थी, तो मैंने मेरा नंबर ओपन किया हुआ था कि मेरा नंबर डिक्लेयर है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर रात को भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपकी परेशानी सॉल्व करेंगे. तो दैट टाइम हम लोग जो एरिया में जा रहे थे तो उनकी हर एक मेंटालिटी, लोग कहाँ परेशान हो रहे थे, कहाँ पे नहीं हो रहे थे. तो जो कहते हैं ना कि एक अच्छी लाइफ की जर्नी जो मुझे ये राजकारण में ही मिली, लोगों से मिले अच्छी तरह से, और कहते ना कि लाइफ की सबसे बेस्ट जर्नी अगर मेरी हो तो ये 7 दिन की. और यहाँ से भी मैं अटकने वाली नहीं हूँ, हम आगे बढ़ेंगे. अभी सेवा करनी है तो आगे तक जाएंगे, जब तक जिंदा है तब तक तो जरूर सेवा करेंगे. जी जी जी, तो राजनीति में आप आगे बढ़ना चाहती हो और आगे बढ़ेंगी, ऐसा आपने कहा है. तो हम भी चाहते हैं कि ज़रूर आप राजनीति में भी आगे बढ़िए. और ऐसे शुभकामनाएं तो हम देते ही है आपको कि अच्छी तरह से आप आगे बढ़े और समाज की सेवा करती रहे. और कंज्यूमर की कोर्ट की बात करें, कंज्यूमर की बात करें, एडवोकेट की बात करें, तो वो भी एक अच्छी सेवा ही है. मौना जी, हमने जो शीर्षक रखा है कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो ये परफेक्ट आप पे बैठ भी रहा है. और आत्मनिर्भर आप खुद है और खुद आप काम भी करती है और लोगों की सेवा भी करती है. विश्व महिला दिन अंतर्गत ये हमारा शो है. और तो हम मौना जी से रिक्वेस्ट करते हैं, मौना जी हमारे जो दर्शक है और हमारी जो महिलाएं हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि खुद पे विश्वास करो और आगे बढ़ो. लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे डरिए मत, बस आगे बढ़ो. जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो पूरी नेचर आपको हेल्प करने लगेगी. तो मेरा यही संदेश है, कहीं पे भी आप डीमोटिवेट मत हो. अगर आपको कहीं पे लगता है कि आप डीमोटिवेट हो, प्लीज़ आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए और मैं आपको हेल्प करूँ. जी, और जिनके साथ कुछ चीटिंग हुई है, किसी के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है, गलत हुआ है आपके साथ, तो बिल्कुल आप ये मौना कपूर जी का कांटेक्ट कर सकते हैं. वो कंज्यूमर एडवोकेट है, ज़रूर आपकी हेल्प करेंगी. तो उनका नंबर भी कहीं पे भी आप सर्च करेंगे मिल सकता है, आपको मिल जाएगा. और हमारे चैनल से भी अगर कांटेक्ट करेंगे तो उनका नंबर आपको मिल सकता है. कुछ कोई भी काम के लिए आप उनको कांटेक्ट कर सकती है, कंज्यूमर के लिए खास करके. तो मौना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएँ भी आपको, और आपको आगे बढ़िए. ऐसी शुभकामना के साथ हम वापस ऐसी ही आत्मनिर्भर नारियों के साथ मुलाकात करते रहेंगे. लेकिन हमारे साथ
रहने के लिए, जुड़ने के लिए आपको करना पड़ेगा फेसबुक पेज लाइक हमारे चैनल का, साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए विथ बेल आइकॉन, ताकि आपको काफ़ी सारी न्यूज़, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट इंटरव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में वेबसाइट भी विजिट करिए, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेगी इस यहाँ से। और एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल देखने के लिए सभी दर्शकों का शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आगे ही ऐसे दूसरे कार्यक्रमों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।